आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आलू से बना हुआ ये नाश्ता। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये रेसिपी को सीखने के लिए हमारा वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। इसमें हमने 1/2 टीस्पून हींग डाला है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 4 से 5 हरी मिर्ची चॉप करके हम इसमें डालेंगे। अब हम ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून तिल डालेंगे, ये सफ़ेद तिल है। अब हम ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारे मसाले जले नहीं, इसलिए हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है। अब हम यहाँ पर 2 ग्लास पानी डालेंगे। हमें फ्लेम को स्लो रख के ही इसमें पानी ऐड करना है। यहाँ पे हमने 2 कच्चे आलू लिए हैं जिसे ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें फ्लेम स्लो टू मीडियम रखना है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने धनिया पत्ता लिया है जिसे चॉप कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1 कप सूजी ली है। अब हम इसे इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे कंटिन्यूसली हमारे चम्मच को चलाते रहना है। कंटिन्यूसली हमें इसे चलाते रहना है और इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। हमें मेक श्योर करना है कि सारा पानी और सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा सूजी पूरी तरीके से पक चुका है। पानी इसमें पूरी तरीके से अब्सॉर्ब हो गया है। मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब देख सकते हो कि पैन में भी ये चिपक नहीं रहा है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम एक ट्रे लेंगे जिसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम ये ग्रीस किए हुए ऑयल वाले ट्रे पे हमारा ये जो हमने ये मिक्सचर बनाया है उसे ऐड करेंगे। हमें इस तरीके से इसे इस पे लगाना है। हमें इस पे अच्छे से लगा देना है ताकि एक अच्छा शेप आ जाए। और हम इसे अच्छे से लगाने के बाद इसे 30 मिनट के लिए ठंडा होने रख देंगे। आप देख सकते हो हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हम एक राउंड शेप इसमें देंगे। आप चाहो तो ग्लास या कोई कंटेनर के हेल्प से इसमें एक राउंड शेप दे सकते हो। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर कैसे किया है। अब हम इसे नाइफ की हेल्प से या स्पून की हेल्प से इसे ऊपर की तरफ करके निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे राउंड शेप दिया है। आप चाहो तो स्क्वायर या रेक्टेंगल, ट्रायंगल कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक पैन में ऑयल डाल के इसे गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा हम इसमें
ये ऐड कर देंगे। हमें इसे डीप फ्राई करना है। आप देख सकते हो ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे।